ड्रामा शिद्दत, जिसमें लेसन मिलता है हर हस्बैंड और वाइफ को। असरा जैसी गर्ल्स जब शादी के लिए अपना लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करती हैं, तो इसरार जैसे शरीफ लड़कों के रिश्ते भी आते हैं, जो असरा जैसी लड़कियों को पहली नजर में देखते ही उनके दीवाने हो जाते हैं। लेकिन अक्सर गर्ल्स इस तरह के रिश्तों को ठुकरा देती हैं, क्योंकि उनका आइडियल तो कुछ ज्यादा ही आसमान पर होता है। उन्हें इसरार जैसे शरीफ और खानदानी लड़के की जगह सुल्तान जैसे फ्लर्टी और दिखावेबाज और खूबसूरत लड़के के ही ख्वाब आते हैं, और उनके पीछे इतनी दीवानी हो जाती है कि उनकी हर शर्तें बांध लेती हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल भुला देती हैं। इसकी मिसाल हम आपको ऐसे देंगे कि सुल्तान ने असरा के साथ ये शर्त रखी थी कि तुम्हारे घर वाले पहले मेरे घर आकर रिश्ता मांगेंगे, जबकि उमूमन लड़के वाले ही हमेशा लड़की के घर जाते हैं रिश्ते की बात करने। लेकिन यहाँ पर असरा ने अपने घर वालों को फोर्स करा और सुल्तान की शर्त मानकर सुल्तान को जीतने का मौका दिया, और यहीं से उसकी तबीयत में ये गुरूर आना शुरू हो गया कि उसने असरा को कभी भी अपनी खातिर में ना लाया और उसे हमेशा अपने पैरों की धूल समझा। अगर असरा की जगह कोई अकलमंद लड़की होती तो वो इस शर्त को कभी ना मानती। कहने को तो ये बहुत मामूली बात थी, लेकिन ये ही ऐसी बात थी जिस पर उसकी माँ ने एतराज भी किया था, क्योंकि वो समझदार और खानदानी औरत है। उसे अंदाजा था कि जिंदगी में आगे जाकर इस बात का ताना असरा की जिंदगी पर जरूर पड़ेगा, और यही हुआ। सुल्तान ने लड़ाई में सबसे पहला ताना यही दिया कि मैं नहीं आया था, तुम आई थी मेरे पीछे, तुम्हारे घर वाले खुद रिश्ता लेकर आए थे, इतने बेजार थे वो तुमसे कि तुमसे जान छुड़वाना चाहते थे। वेल, ऐसे बहुत से पॉइंट हैं जो हम आपको शिद्दत ड्रामे के बारे में बताना और समझाना चाहते हैं। अभी तो बस ये एक ही पॉइंट है कि लड़कियां किस तरह अपनी मोहब्बत में अंधी हो जाती हैं और उन्हें सही गलत की बिल्कुल पहचान नहीं रहती, और फिर वो अपने घर वालों से भी अपनी बेजा जिदे मनवाती हैं। अगर उनके घर वाले उन्हें समझाना भी चाहें तो भी वो सुनना ही नहीं चाहती और अपनी जिद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं, और नतीजा असरा की तरह ही निकलता है। इसी तरह सुल्तान जैसे हस्बैंड्स के लिए भी इस कहानी में एक बहुत बड़ा लेसन है कि जब उन्हें उनकी औकात से बढ़कर मिल जाए तो उसकी कदर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको बेहतरीन नवाजा। ना तो आप खुद को कोई महाराजा समझें कि आप कहीं के बादशाह हैं और आपकी खिदमत में कनीज भेजी गई है। वेल, इस ड्रामे में बहुत से लेसन हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।